कई बार हमें लगता है कि अरे जैसे पांचवा नाम अपराध हम पढ़ते हैं कि भगवान नाम की इतनी महिमा जो बताई गई है ना वो कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि भक्तों ने बना दी है। क्योंकि हरे कृष्ण वालों का काम तो कुछ होता नहीं, पूरे दिन बार माला फिरते रहते हैं, तो बोलते हैं हरी नाम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान के नाम को की महिमा को काल्पनिक समझना ये नाम अपराध है, हर रोज हम पढ़ते हैं। मगर असली में भगवान नाम सचमुच में बड़ा शक्तिशाली है, कोई काल्पनिक नहीं है उसकी महिमा। जब लंका का युद्ध हो गया, विभीषण अब लंका के राजा बन गए, तो राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी प्रजा है वो सुखी रहे, वो खुश रहे। अब नया राजा आया है तो उस समय उसने अनाउंसमेंट कर दी कि देखो भैया मैं राजा बन चुका हूं, मगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे राजा देखने में उनको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आप स्वीकार नहीं करते होंगे। तो कोई ऐसा है व्यक्ति है तो कोई नहीं, हम आपको दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर देंगे, विल टेक केयर ऑफ यू, आप यहां से छोड़ के जा सकते हैं, हम आपको मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, जेल में नहीं डालेंगे ना अगर आप हमें अस्वीकार करते हैं, कोई देशद्रोह नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, उसका अच्छा नहीं लगाएंगे, आपको जा सकते हैं। तो एक राक्षस ने हाथ उठा लिया, बोले सॉरी आई डिसएग्री विद यू, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, हम वफादार थे रावण के, वफादार हैं और वफादार रहेंगे, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी इस सत्ता को। ठीक है जी, चले जाइए। अब जाऊंगे ऐसे भैया, समुद्र इतना बड़ा है ना, कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैसे जाऊंगा? तो विभीषण बोलता है चिंता मत करो, युक्ति बताता हूं मैं। तो विभीषण ने क्या किया, एक पर्ची दे दी उस राक्षस को, बोले कि इसको पकड़ के रखना, हाथ में मुट्ठी में बांध के रखना, और तुम जब जाओगे समुद्र में तो पानी के ऊपर चल पाओगे तुम, अच्छा, और पूरा समुद्र पार कर लोगे, चिंता मत करो, तुम मुट्ठी को पकड़ के रखना, मगर एक शर्त है, खोलना मत मुट्ठी को। तो पकड़ के पर्ची को हाथ में लिए हुए चल रहा है, तो सब पानी के ऊपर चल पा रहा, आधा समुद्र पार कर लिया, और फिर डाउट आ गया, बोले ऐसा है क्या इसमें पर्ची में, देख तो लो। तो जैसे ही खोला तो क्या था पर्ची में, राम का नाम था। तो खोला जैसे, वो है तो राक्षस, और राक्षस कैसे भगवान के नाम है वो उसका अपना अपना फेथ जता ले, वो बोला इसके कारण चल रहा था मैं फालतू, तो उठा के पर्ची फेंक दी, और इसी पर्ची को फेंका खुद गिर गया वो उसी समुद्र में, डूब गया। तो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, वो इतने पापों को धो सकता है जितने हम पाप कर नहीं सकते, ये शास्त्र बोलता है। इतना शक्तिशाली है कितना, कितने पाप को धो सकता है जितने हम पाप कर नहीं सकते, कि पापों के इतने पहाड़ है, मेरु जितने मेरु पर्वत जितने आपके, अगर पापों के पहाड़ क्यों ना हो, हरि नाम ऐसे चकनाचूर कर सकता हूं सब पापों को, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, बहुत शक्तिशाली, प्रोवाइडेड हमारा फेथ है उस हरि नाम में। देखिए हरि नाम तो वैसे भी काम करेगा चाहे फेथ हो या ना हो। एक व्यक्ति था बीमार पड़ गया, वैद्य के पास जाता है, तो वैद्य पर्ची पे लिख देता है, दवाई लिख देता है, वो बोल देता है इसको गर्म पानी में उबाल के पी लेना। अब बीमार था व्यक्ति तो दिमाग ज्यादा चलता नहीं है बीमारी में, तो क्या किया थे, दवाई तो लाया नहीं, पर्ची को डाल दिया पानी में, उबाल दिया और पी गया उस पानी को, और ठीक भी हो गया। क्यों? क्योंकि फेथ था, श्रद्धा थी। तो श्रद्धा बहुत काम की चीज है, बड़े बड़े पहाड़ों को पार कर सकते हैं अगर हम श्रद्धा है हमारी, भगवान नाम में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए ना, यह नाम श्रुति मात्रे न पुमान भवती निर्मला तस्य तीर्थ पदम किम वा दासा नाम अवशिष्यते, जिसका नाम लेने मात्र से व्यक्ति निर्मल हो जाता है। तो शास्त्र बोलते हैं कि उनके भक्तों के पास कितनी शक्ति होगी जो उनका नाम निरंतर लेते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अ डिवोटी हु चैंट्स द नेम ऑफ द लॉर्ड, दासा नाम अवशिष्यते, उनके भगवान के भक्त तो बड़े ही शक्तिशाली है, भगवान अपनी शक्तियां उन भक्तों में समर्पित कर देते हैं जो उनका नाम लेते रहते हैं।
हरे।